भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही 3 T20 मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाना है। इस मैच का आयोजन लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा, जिसके लिए भारतीय टीम पहुंच चुकी है। वहीं इस मैच में भारत की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में है, तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की कैप्टेंसी कर रहे हैं मिचेल सैंटनर। T20s में सैंटनर कैप्टन है। भारत को अगर सीरीज में जिंदा रहना है तो ये मैच जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया हार गई थी और 1-0 से यहां पर न्यूजीलैंड की टीम आगे है। तो करो या मरो का मुकाबला टीम इंडिया के लिए है। इस मैच से पहले आइए जान लेते हैं कि लखनऊ में भारत का रिकॉर्ड कैसा है। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में अब तक कुल 5 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 2 भारतीय टीम ने खेले हैं और 3 अफगानिस्तान ने खेले हैं। टीम ने इस ग्राउंड पर अपना पहला T20 मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। वहीं साल 2022 में श्रीलंका के खिलाफ इसी मैदान पर टीम इंडिया की भिड़ंत हुई थी। बता दें कि टीम इंडिया ने अब तक इकाना मैदान पर 2 T20 मैच खेले हैं और दोनों में ही टीम को जीत हासिल हुई है, तो 100% रिकॉर्ड है टीम इंडिया का। लखनऊ की पिच एकदम सपाट मानी जाती है और यहाँ पर बल्लेबाजों को फायदा होता है। वहीं मैदान पर शाम को ओस भी गिरती है, जिसके चलते पहले गेंदबाजी करना ही फायदेमंद होगा। जो भी टीम टॉस जीतती है वो कप्तान यही कोशिश करेगा कि पहले गेंदबाजी कर ली जाए। हालांकि ये रणनीति जो है वो रांची में बैकफायर कर गई थी। टीम इंडिया के लिए ये मैदान तो लकी है, लेकिन इस मैच में टीम के ऊपर डबल खतरा मंडरा रहा है। 2 खतरे हैं जिनको टीम इंडिया को टालना है। पहला खतरा तो सीरीज गंवाने का ही है, क्योंकि 3 मैच की T20 सीरीज में टीम इंडिया 0-1 से पीछे है। रांची में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 21 रनों से हरा दिया था। अब अगर लखनऊ में टीम इंडिया हारी तो सीरीज न्यूजीलैंड के नाम हो जाएगी। हार्दिक की कप्तानी में टीम इंडिया अभी तक कोई भी T20 सीरीज नहीं हारी है और कैप्टन की पूरी कोशिश होगी कि ये 100% का जो उनका रिकॉर्ड है वो बरकरार रहे। इसी के साथ भारत की नंबर 1 T20 रैंकिंग भी खतरे में पड़ सकती है अगर टीम इंडिया इस मैच में हार जाए तो। अभी फिलहाल टीम के 267 अंक हैं। हम ICC रैंकिंग की बात कर रहे हैं T20 की, वहां पे 267 अंक हैं टीम इंडिया के और वो नंबर 1 पायदान पर है। लेकिन अगर लखनऊ में टीम को हार मिली तो टीम इंडिया नंबर 1 तो बनी रहेगी, लेकिन इंग्लैंड के साथ उसके अंक बराबर हो जाएंगे, यानी कि 266 अंक हो जाएंगे। कुछ दशमलव से टीम इंडिया आगे होगी, कुछ पॉइंट से, जिसके कारण जो है वो नंबर 1 पायदान पर बनी रहेगी। मगर फिर जो है वो नंबर 1 की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि अगर इंग्लैंड ने एक भी मैच जीता तो टीम इंडिया रैंकिंग में फिसल जाएगी। या फिर न्यूजीलैंड ने अगर अगले मैच में, जो सीरीज का आखिरी T20 मैच है, उसमें अगर टीम इंडिया को हरा दिया तो फिर भी जो है नंबर 1 का ताज टीम इंडिया से छिन जाएगा। फिलहाल T20 क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में नंबर 1 टीम इंडिया है और टीम इंडिया चाहेगी कि वो वाइट बॉल क्रिकेट में रैंकिंग में नंबर 1 बनी रहे। वैसे पिछले मैच में तेज गेंदबाज और खासतौर पर अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी हार की बड़ी वजह बनी थी। उन्होंने आखिरी ओवर में 27 रन दिए थे, टीम इंडिया को 21 रनों से हार मिली थी और वो 27 रन जो थे वो बहुत ही महंगे साबित हुए। उनकी गेंदबाजी जो है वो लय नज़र नहीं आ रही है। वो वाइड बॉल डालते हैं, 9 बॉल डालते हैं और ये कमी जो है उनकी वो दूर नहीं हो रही है। शायद इस गेंदबाज को थोड़ा जो है कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, भरोसा देने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में उमरान मलिक की भी बात करनी होगी। उन्होंने पिछले मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी की थी, रन पड़े थे, उसके बाद उनको गेंदबाजी नहीं दी गई। तो तेज़ गेंदबाजी के मोर्चे पर टीम इंडिया को कमर कसने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर बेहतर लय पकड़ के ही जो है आप दबाव बना सकते हो न्यूजीलैंड पे। साथ में ओपनर्स के ऊपर जिम्मेदारी होगी। ईशान किशन और शुभमन गिल टीम के लिए ओपन करते हैं T20 फॉर्मेट में और टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाएं, ये बहुत ज़रूरी है। रांची में वो ऐसा नहीं कर पाए थे, टीम पर दबाव बन गया था और टीम जो है वो लक्ष्य का पीछा करने में फाइनली नाकाम रही थी। इन 2 कमजोरियों से पार पा लिया तो टीम इंडिया सीरीज में बराबरी कर आखिरी T20 मैच में सीरीज जीतने के बारे में भी सोच सकती है। मैच शाम को 7 बजे खेला जाएगा। इस मैच पर हमारी पूरी नज़र रहेगी। इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर जो है वो 199 रनों का है, जो टीम इंडिया ने ही बनाया था, तो हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर रहने की उम्मीद है लखनऊ में। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और Sports9 को सब्सक्राइब कर लीजिए।